हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, थोड़ा बहुत बिजी था मैं, घर का काम था, इसी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो घर में काम भी चल रहा है इसी कारण। तो गाइस, अभी जो मेरा घर का काम जो पूरा लगभग में हो चुका है, बस अब छत ढलाई का काम चल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मेरा घर का काम कहाँ तक पहुँचा, उसके बाद मैं फिर आपसे आगे बात करता हूँ। तो हे गाइस, मैंने बोला था कि मेरा घर का काम चल रहा है, इसी वजह से मैं थोड़ा अभी बिजी चल रहा हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से कि मेरा घर का काम कहाँ तक पहुँचा है। तो गाइस, यही है मेरा घर का काम, फ्रंट से यही है, देख सकते हो। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ मेरा जो घर का काम जो छत लेवल तक हो चुका है, बस सेटिंग लग रहा है कि ये रूम में देख सकते हो अभी सेटिंग लग चुका है, कुछ जगह पर सेटिंग लग चुका है, कुछ बाकी है। तो अभी मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ सेटिंग, कितना सेटिंग का काम हुआ है। तो अभी ये सीढ़ी है, सीढ़ी की जो अभी पुरानी ढलाई है, ये आधा ढल चुका है और आधा जिस दिन छत ढला जाएगा उस दिन ढला जाएगा। तो अभी सीढ़ी में भी लगना बाकी है तख्ता, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देख सकते हो ये जो काम, बस ये वाला काम रह गया, ये वाला पट का, बस ये काम इधर का जो काम पूरी तरीके से हो चुका है और बस ये काम रह गया। यहाँ पे सीढ़ी वाला घर पे तो सीढ़ी पर तो नहीं लगेगा सेटिंग, बस वो वाला रूम में और ये वाला रूम में लगेगा सेटिंग, उसके बाद जो पूरा लगभग क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ साइड से। तो देख सकते हो गाइस, बस यही वाला रह गया पार्ट, बाकी जो उधर का पूरा हो गया इतना, बस ये पार्ट और ये पार्ट रह गया है। इधर से देख सकते हो ये फ्रंट का जो मैंने आपको जस्ट अभी दिखलाया था, ये फ्रंट का साइज है। तो फ्रंट में भी थोड़ा सा ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, बस थोड़ा ही जाएगा, ये फ्रंट का है। और बस ये वाला रूम रह गया इतना सा, बाकी वो वाला तो सीढ़ी वाला तो उसमें तो नहीं लगेगा सेटिंग, बस इतना ही रह गया सेटिंग लगने के लिए। बस उसके बाद फिर छर बांधा जाएगा, छर बांधने के बाद फिर ढलाई, तो कम्प्लीट हो जाएगा छत अभी आप लोगों की दुआ से। तो हे गाइस, ये है हमारे अररिया और फारबिसगंज के बीच के जो एनएच का सबसे खूबसूरत नज़ारा, ये जो पोटिया पड़ता है बीच में, ये पोटिया का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे फारबिसगंज से अररिया तक के जाने के बीच में पड़ता है पोटिया, एक जगह है, वही है ये जगह, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, मैं आपको दिखा दूँ। देख सकते हो यहाँ नीचे से जो ट्रेन पास होती है यहाँ पर, आपको दिखा सकता हूँ। और ये जो है सबसे खूबसूरत नज़ारा मुझे लगता है पूरा फारबिसगंज से अररिया तक के बीच की दूरी में, अगर तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने YouTube फैमिली को भी दिखा दूं। तो गाइस देख सकते हो, हे गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट स्टेज। तो गाइस, अभी जो है हम अररिया जा रहे हैं, जो हमारा ज़िला पड़ता है अररिया। तो मेरा घर है फारबिसगंज, तो अभी मैं अररिया जा रहा हूँ। मेरा जो लगभग यहाँ से अररिया फारबिसगंज से अररिया जो है लगभग 36 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी हम जाएंगे अररिया, अररिया में कुछ काम है, तो अभी हम जाएंगे अररिया, अररिया में मेरा कुछ काम है, तो वो काम करेंगे। और आप रास्ते में जो कुछ अच्छा कुछ दिखेगा मैं आपको दिखाऊँगा। तो गाइज़, मैं अभी जो है अररिया पहुंचने ही वाला हूं। अररिया से मैं आरएस जाने जा रहा था, तो अररिया से 4-5 किलोमीटर पीछे एक हरियाबरा पड़ता है, तो मैं वहां से मुड़ा हूं अररिया आरएस जाने के लिए। अररिया आरएस में मुझे कुछ काम है तो मैं उधर ही जा रहा हूं। तो अभी मैं हरियाबरा से मुड़ा हूं, जो अररिया से 4 किलोमीटर पीछे पड़ता है हरियाबरा, मैं वहां से मुड़ा हूं। तो मुझे एक यहां पे एक देख सकते हो, यहां से लगभग 4 किलोमीटर तक पूरा जंगली जंगल नज़र आ रहा है। तो मैं अभी आपको दिखाऊँगा पीछे के कैमरा से वो नज़ारा, कि यहाँ पर देख सकते हो अब चारों तरफ जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि चारों तरफ पूरा जंगली जंगल है। यहाँ पे लगभग बहुत ही घना जंगल है, यहाँ पे लगभग जानवर भी होते होंगे, पर मुझे पता था इस जंगल के बारे में, लेकिन मैंने ज़्यादातर आया नहीं था, कभी कदल आता था तो याद नहीं रहता था। बट मैं अभी सोचा अभी इससे गुजर रहा हूँ तो थोड़ा मैं आपको भी दिखा दूँ। तो गाइस, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का व्यू, पीछे के कैमरा से दिखलाता हूँ। तो चलिए तो चलते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पीछे के कैमरा से व्यूज यहाँ के जंगल का। तब तक देखिए, अररिया से 4 किलोमीटर पीछे हरियाबरा पड़ता है, वहाँ से अगर आप मुड़ जाओगे तो आरएस की तरफ जाओगे, अररिया आरएस की तरफ। तो ये आरएस वाला रास्ता है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आपको लगभग दो
2 से 3 किलोमीटर तक पूरा जंगल ही जंगल मिलेगा आपको। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर तक आपको चारों तरफ जंगल ही जंगल नज़र आएगा, जो कि बहुत ही घना जंगल है। इस जंगल में जो जानवर सब भी रहते होंगे बहुत सारे। जब भी आओ अररिया तो आर एस वाला रास्ता अगर आप पकड़ोगे तो आपको ये जंगल ज़रूर देखने को मिलेगा इस जगह पे, जो कि 2 से 3 किलोमीटर तक पूरा जंगल ही जंगल है, देख सकते हो गाइस। और इस सुना है इस जंगल में जानवर सब बहुत सारे रहते हैं, ऐसे जो बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर भी रहते हैं। तो लगभग में दिन में तो आदमी आराम से इस रास्ते से आ सकते हैं, बट रात में जो थोड़ा दिक्कत है इस रास्ते में चलना रास्ते में रात में कोई भी नहीं जाता इस जंगल में, ज़्यादातर आता इस रास्ते से, देख सकते हो। दो तीन किलोमीटर चलने के बाद देखिए अब यहाँ पे जो घर आना स्टार्ट हो चुका है। अब जो यहाँ से त्रिय जंगल ख़त्म हो गया है, अब जो मैं आरएस पहुँचने ही वाला हूँ, यहाँ से बस 2 किलोमीटर यहाँ से आरएस है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको फिर। तो हे गाइस, अभी जो है घर के लिए निकल रहे हैं, अब यहाँ से मेरा जो अररिया का काम पूरा हो गया तो हम जो यहाँ से घर निकल रहे हैं। तो चलिए अब मिलते हैं घर पे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।